खूबसूरत हाल पर। हम नजर रखते हैं जनता से जुड़े सवाल पर। आपके शहर के कोने कोने से जाते हैं हम ताजा तरीन खबरें। खबरें ही होती हैं हमारी पहचान। देते हैं निष्पक्ष दस्तक। न रहे हम है सिर्फ और सिर्फ सच के साथ। हर असरदार खबर पर होगी पैनी नजर। हर खबर पर होगी और भी दमदार, सटीक और असरदार। कोई राह चलती घटनाएं हो या कोई कार्यक्रम, हम पहुंचाते हैं आप तक नई जज्बे, नई उम्मीद और हौसले के साथ। सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेडलाइन टाइम, साथ में हूं मैं सलोनी। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस निवेदन करते हैं दामोदर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। चॉइस ऑफ मिलियंस, रिश्ता जो कभी न टूटे। बीएमओएच का तबादला वापस लेने की मांग पर प्रदर्शन पर उतरे ग्रामवासी। ब्लॉक के स्वास्थ्य विभाग में लाए गए सुधारों से बेहद संतुष्ट हैं ग्रामवासी। दुर्गापुर में हुए सड़क हादसे में पुलिस वाहन चालक की मौत। पुलिस वाहन जा टकराई थी डंपर से। आसनसोल नगर निगम ने प्लास्टिक बैग्स के व्यवहार पर लगाई पाबंदी। पाबंदी के बावजूद प्लास्टिक के व्यवहार पर नगर निगम वसूलेगा जुर्माना। अब खबरें विस्तार से। पूर्व बर्दवान के गलसी ब्लॉक का बीएमओएच के तबादले के विरोध में आंदोलन में उतरे ग्रामवासी। तबादले का आदेश वापस लेने की मांग पर किया विक्षोभ प्रदर्शन। पूर्व बर्दवान जिले के गलसी एक नंबर ब्लॉक के पुरशा ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बीएमओएच डॉक्टर शेख फारूक हुसैन का तबादला आदेश रोकने की मांग पर ग्रामवासियों का आंदोलन जारी है। गुरुवार को फिर आसपास के कई गांव से बड़ी तादाद में लोग स्वास्थ्य केंद्र में इकट्ठा हुए और प्रदर्शन किया। ये लोग चाहते हैं कि बीएमओएच के तबादले का आदेश अविलम्ब वापस लिया जाए और डॉक्टर शेख फारूक हुसैन स्वास्थ्य केंद्र में ही बने रहें। ग्रामवासियों ने डॉक्टर हुसैन के समर्थन के नारे भी लगाए। जानकारी के अनुसार पिछले दिनों बीएमओएच डॉक्टर हुसैन का पुरशा ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से तबादला कर दिया गया था। उनके तबादले की खबर सुनने के बाद से ही ग्रामवासी आंदोलन पर उतर आए हैं और वे किसी भी हाल में उनका तबादला रुकवाने की मांग कर रहे हैं। इस आंदोलन में गलसी ब्लॉक के पुरशा, पराज, गलीग्राम, जगुलपाड़ा, सिमनोर व तिलडांगा समेत कई गाँव के हजारों लोग शामिल हुए हैं। स्वास्थ्य केंद्र में प्रदर्शन करने पहुंचे ग्रामीणों ने कहा कि डॉक्टर शेख फारूक हुसैन के आने से स्वास्थ्य केंद्र की परिसेवा में बहुत उन्नति हुई है। यहां आने वाले मरीजों को पर्याप्त इलाज एवं परिसेवा मिलती है। पहले मरीजों को अधिकांश दवाइयां बाहर से खरीदनी पड़ती थी, परंतु अब स्वास्थ्य केंद्र में ही दवाइयां मिल जाती है। बीएमओएच ने न सिर्फ स्वास्थ्य केंद्र परिसर का सुंदरीकरण किया है, बल्कि पार्किंग एवं एम्बुलेंस का भी उचित प्रबंध किया है। पिकनिक का खर्चा, तारा क्वार्टर का खर्चा, ताजे टिफिन खर्चा দিয়ে তাদেরকে দিয়ে সব কিছু খরচা দিয়ে তাদের ওষুধ লাগানো হতো। তো এই বেলমিজ এইটা বন্ধ করে দিয়েছে যে যাতে এই ওষুধ ডুপ্লিকেট ওষুধ যাতে না ব্যবহার হয় তার জন্য বন্ধ করে দিয়েছে। তার জন্য এই অপরাধ এই বেলমিজে। বা আগে বিয়মিজরা পিকনিক থেকে সব কিছু খরচা বহন করেছে ওষুধ কোম্পানিরা,
আমি নিজে দেখেছি, আমি অনেক বাড়ি খাওয়া খরচাও দিয়েছে, বাজার খরচা, থাকা খরচ সব কিছু করেছে, হ্যাঁ গাড়ি ভাড়া করে তাদের বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে। আপনার কি অনুমান যে এই ওষুধ কোম্পানির লোকরাই ওনার বদলি? হ্যাঁ আমার নিজে জানি তো, আমি প্রমাণ দেবো, আমি জানি তো পিকনিক করতে গেছি, আমি সেই সঙ্গে ছিলাম পিকনিকে, পিকনিকে ছিলাম, সেই পিকনিকের খরচাটুকু বহন করেছে। এখানে লাইসেন্স হয়েছে, লাইসেন্সের খরচাগুলো করেছে ওই कंपनी। ग्रामीणों का कहना है कि BMOH ने पूरी निष्ठा व ईमानदारी के साथ अपने दायित्व का निर्वहन किया है, इसलिए वे तमाम लोगों के लिए इतने प्रिय बन गए हैं। साजिश के तहत इतने कम समय में उनका तबादला कर दिया जा रहा है। জনসাধারণ একত্র হয়ে আন্দোলন চালাচ্ছি, এই আন্দোলন আমাদের দীর্ঘদিন চলবে, যতক্ষণ আমাদের ডাক্তারি সঙ্গে থাকছে, প্রয়োজন বুঝলে আমরা নিন্দু অবরোধ করব। আমাদের মানে আর কি কর্মসূচি চলছে, চলতে থাকবে, আমরা বন্ধ করব না, দরকার হলে আমরা উপর মহলও যেতে রাজি আছি, তবু ডাক্তারবাবুকে এখানে নিয়োগ থাকতে হবে। কী কী কর্মসূচি নিয়েছেন, কী কী করবেন? ग्रामीणों ने साफ कर दिया कि वे किसी भी हाल में BMOH का यहां से तबादला नहीं होने देंगे। बर्दवान से अमजद अली शेख की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। दुर्गापुर के कापसा थाने की पुलिस वाहन ने अनियंत्रित होकर डंपर को मारी टक्कर। इस हादसे में पुलिस के वाहन चालक की मौत हो गई, जबकि 3 सिविक वॉलंटियर गंभीर रूप से घायल हो गए। गत बुधवार मध्य रात्रि दुर्गापुर कांकसा थाना अंतर्गत मालानदीघी से शिवपुर के बीच कांकसा थाना के एक पुलिस जीप अनियंत्रित होकर एक डंपर को जोरदार धक्का मारती, जिसमें जीप चालक के साथ साथ 3 सिविक वॉलंटियर घायल हो गए। आनन फानन में इन्हें राजबांध के बेसरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जीप चालक को मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान वासुदेव विश्वास के रूप में हुई है। वासुदेव विश्वास कांकसा स्थित बिलपाड़ा का रहने वाला था, एवं अन्य 3 सिविक वॉलंटियर चिन्मय राय, चिन्मय सील, पवन दास को बेहतर इलाज के लिए दुर्गापुर के अन्य बेसरकारी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है। घटना की सूचना पाकर इलाजरत चिन्मय राय, चिन्मय सील, पवन दास से DC अभिषेक मोदी, SCP कमल वैराग्य समेत अन्य पुलिस अधिकारी मिलने गए। DC अभिषेक मोदी ने बताया कि घटना कैसे घटी, हम इसकी छानबीन कर रहे हैं। दुर्गापुर से साधन रूज की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। आसनसोल में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर बैन लगाए जाने के बाद बाजारों में शुरू किया गया अभियान। पार्षद ने बाजार में जाकर दुकानदारों को किया जागरूक करने का प्रयास। आसनसोल नगर निगम की बोर्ड बैठक में शहर को स्वच्छ बनाने के लिए निर्धारित गुणवत्ता से कम के पॉलिथीन बैग के इस्तेमाल में जुर्माना वसूलने का निर्णय लिया गया। इस संदर्भ में ADM खुर्शीद अली कादरी ने कहा कि हेडक्वार्टर में एक टीम होगी जो इस पूरी प्रक्रिया पर नजर रखेगी, इसमें जुर्माना वसूलने का भी निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि जो भी प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल करता नजर आएगा उनसे तुरंत जुर्माना वसूला जाएगा। सैनिटरी इंस्पेक्टर रहेगा, वो नोडल ऑफिसर रहेगा, हमारे हेडक्वार्टर पे एक टीम रहेगी जो इस पूरी प्रोसेस और इस पूरी प्रक्रिया को देखेगी। इसमें हमने पेनल्टी और फाइन का भी प्रोविजन रखा है, जो भी कोई पॉलिथीन बैग कैरी करेगा उसको उसी टाइम 20 रुपीज का फाइन देना पड़ेगा। अगर कोई शॉपकीपर होगा, हॉकर होगा, उसको 500 रुपीज का फाइन भरना पड़ेगा। और अगर कोई स्टोर करेगा प्लास्टिक या पॉलिथीन का कोई स्टोर करेगा उसमें इंस्टेंटली 5000 रुपीज का ये फाइन होगा। अगर कोई मैन्युफैक्चर करेगा पॉलिथीन तो उसको एक तो ट्रेड लाइसेंस खत्म किया जाएगा, प्लस उस जो कारखाना है उसको हम सीज करेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट जो लिमिटेशन है हमने रखा है, जो एज पर जो हमारा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो नियम है, 50 माइक्रोन से नीचे जितना भी पॉलिथीन होगा दैट विल बी बैन फ्रॉम आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इसमें सर हम 15 डेज का टाइम दे रहे हैं, हम आज इशू करेंगे और 15 दिन के बाद ये जो ऑर्डर है ये एनफोर्स हो जाएगा। 15 दिन का समय है कि जो हमारा पॉलिथीन अभी अवेलेबल है इसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए। वहीं पार्षद उमा सराफ ने वार्ड कमेटी पदाधिकारियों को साथ लेकर बाजार के विभिन्न इलाकों का दौरा किया एवं दुकानदारों को चेतावनी दी कि वो लोग 50 माइक्रोन से कम गुणवत्ता वाले पॉलिथीन बैग का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद करें, अन्यथा निगम प्रशासन द्वारा जुर्माना वसूला जाएगा। दुकानदार ही नहीं बल्कि थैलों का उपयोग करने वाले ग्राहक या उपभोक्ताओं से भी जुर्माना लिया जाएगा। इनके विक्रेताओं पर भी 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। आज हम लोग अपने
वार्ड कमेटी के लोगों के साथ पूरा वार्ड में घूम रहे हैं और घूमकर दुकानदार लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप लोग पॉलीथीन का इस्तेमाल एकदम बंद कर दें, 50 माइक्रोन से नीचे का पॉलीथीन एकदम नहीं चलेगा और जो भी पॉलीथीन में सामान देगा या जो पॉलीथीन बेचेगा उसके विरुद्ध में 15 दिन का समय दिया गया है। 15 दिन के बाद यदि देखा जाएगा जो पॉलीथीन बेच रहा है और पॉलीथीन में सामान जो कैरी कर रहा है या जो ग्राहक को दे रहा है सबके विरुद्ध में कानूनी कार्रवाई किया जाएगा और फाइन भी लगाया जाएगा। यह हमारा कॉर्पोरेशन से बोर्ड मीटिंग में ये पास किया गया है और हम लोग घूर घूर करके आज देख रहे हैं कि लोगों को बतला रहे हैं कि आप लोग जल्दी से जल्दी आप लोगों के दुकान में यदि कैरी बैग का स्टॉक है तो उसको आप लोग जल्दी से जल्दी निकाल दीजिए और यहाँ तक कोई भी आदमी यदि कैरी बैग में कुछ लेके जाता है तो उसको भी हम लोग यदि देखेंगे तो उसके लिए भी 20 रुपया फाइन। इसके साथ ही शहर को साफ सुथरा रखने के लिए गुटखा व पान मसाला बिक्री पर भी नकेल कसी गई है, इसलिए सभी को पहले से ही सचेत कर दिया गया है। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बने रहे हमारे साथ। अधिक पौष्टिक एग्रो फ्रेश आटा की रोटी, खुशी परिवार हरदम ताजा टेस्ट, आटा की जगत में एग्रो फ्रेश बेस्ट। संपूर्ण मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल से भरपूर एग्रो फ्रेश आटा, मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से बना हेल्दी एग्रो फ्रेश आटा। रोटी, चपाती, पूरी, पराठा, एग्रो फ्रेश आटा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बर्द्वान में एक बार फिर मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना घटी है। 2 दिनों तक लावारिस हालत में पड़ी रही वृद्धा की लाश। बर्द्वान थाना क्षेत्र के घोड़द्वार चट्टी इलाके में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना प्रकाश में आई है। दरअसल यहां एक वृद्धा की लाश 2 दिनों तक लावारिस हालत में पड़ी रही, लेकिन उसकी सुध लेने कोई नहीं आया। आखिर में जब मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस ने आकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस घटना ने एक बार फिर ये सोचने पर विवश कर दिया है कि क्या हमारे अंदर की मानवता व इंसानियत खत्म होती जा रही है। जानकारी के अनुसार मृतका की पहचान भवानी शेख के रूप में हुई है। वो पिछले करीब 20 वर्षों से सीट कॉर्पोरेशन ऑफिस में अस्थायी कर्मी के रूप में काम करती थी और सीट कॉर्पोरेशन के सुरक्षा गार्डों के लिए आवंटित एक घर में रहती थी। इसके अलावा वो वृद्धा आसपास के घरों में नौकरानी का काम भी करती थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि मंगलवार की रात अचानक भवानी शेख की मौत हो गई। इसके बाद से ही उसकी लाश को लेकर खींचतान शुरू हो गई। यहां के लोगों का अमानवीय चेहरा खुलकर सामने आया जब न तो किसी ने वृद्धा की लाश को ले जाने के लिए कोई पहल की और न ही समय पर पुलिस को सूचना दी गई। इसका नतीजा ये हुआ कि वृद्धा की लाश 2 दिनों तक लावारिस हालत में पड़ी रही। आखिरकार बुधवार की देर रात पुलिस मौके पर पहुंची और मृतका के शव को बरामद किया। बताया जाता है कि भातार थाना क्षेत्र के मुरातीपुर ग्राम के निवासी ग्यासुद्दीन शेख के साथ भवानी शेख की शादी हुई। कुछ वर्षों बाद ग्यासुद्दीन भवानी को छोड़कर फरार हो गया था। इसके बाद से ही भवानी बर्द्वान के घोड़दौड़ चट्टी इलाके में आ गई और सीट कॉर्पोरेशन में काम करने के साथ ही यहीं रह रही थी। इस बारे में एक स्थानीय निवासी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। হওয়ার পরে তারপরে খানিকক্ষণ পরে তখন আমি বাইরে বেরিয়েছি, তখন দেখতেছি কি যে মানে আরও বেশি ই করছে হাঁপাচ্ছি। হাঁপানোর পরে তারপরে তখন প্রায় 1টা এরকম বাজবে, এরকম সময় দেখছি তখন আমি বসেই আছি, আমি ঘুমাই নাই যে তখন দেখছি যে কি
যে ওনার দম চলে যায়। এমনি ওনার কি কেউ এখানে থাকে বা কেউ? না, কেউ থাকে তো কেউ থাকে না, মানে আমি এখানে থাকতাম, এমনি থাকতাম দুদিন আগে। আচ্ছা, তো এখন আপনারা ওই লাশটা কি করবেন বা? লাশটা এখন আপনারা যা করবেন। এমনি প্রশাসন বা এখানে পার্টির লোকজন বা এলাকার লোকজন কাউকে কিছু বলেছেন? ওনাদের কিন্তু বলেছিলাম, বলে ওরা বললো যে কি যা মাসি আমরা কিছু ব্যবস্থা করতে পারবো না, পারবো না। এর নাম কি শুনেন? উনি আবার কিরকম আমাদের আদিবাসীদের মেয়ে ছিল, হ্যাঁ আদিবাসীদের মেয়ে ছিল, এখন মুসলমানদের ছেলের সঙ্গে ওনার বিয়ে হয়েছে। বর্ধমান থেকে আমজাদ আলী শেখ, রিপোর্ট পাবলিক টাইমস। सियारसोल राज हाई स्कूल के छात्रों ने निकाली मादक विरोधी रैली। रानीगंज के सियारसोल राज हाई स्कूल के तरफ से गुरुवार को मादक विरोधी जागरूकता रैली निकाली गई। एनएसएस के तहत स्कूल के छात्रों ने यह रैली निकाली। स्कूल से शुरू हुई यह रैली एनएसबी रोड समेत विभिन्न इलाकों की परिक्रमा करने के बाद पुनः स्कूल जाकर समाप्त हुई। छात्रों ने अपने हाथों में बैनर व कटआउट लिए हुए थे जिसमें मादक विरोधी नारे लिखे हुए थे। छात्रों ने आम जनता खासकर युवाओं से मादक पदार्थों का सेवन नहीं करने एवं नशा मुक्त समाज का गठन करने का संदेश दिया, साथ ही नशा विरोधी नारे भी लगाए। स्कूल के प्रधान शिक्षक तापस चटर्जी ने कहा कि एनएसएस के तहत स्कूल में विभिन्न प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, मादक विरोधी रैली भी इसी का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट पब्लिक टाइम्स। बांकुड़ा मेडिकल कॉलेज के डिप्टी सुपर का फंदे पे लटकता हुआ शव बरामद किया गया। दुर्गापुर के सागरभंगा स्थित घर से मिला शव। बांकुड़ा मेडिकल कॉलेज के डिप्टी सुपर निमाय देवनाथ का शव गुरुवार को फंदे के सहारे झूलता हुआ पाया गया। इस घटना को केंद्र कर दुर्गापुर के सागरभांगा में उत्तेजना का माहौल है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची एवं शव को पोस्टमार्टम के लिए महकमा अस्पताल भेज दिया। इससे पहले निमाय देवनाथ 2008 वर्ष से करीबन ढाई वर्ष तक दुर्गापुर महकमा अस्पताल में सुपर के पद पर कार्यरत थे। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार निमाय देवनाथ अपने ससुर के श्राद्ध पर गए हुए थे। सागरभांगा कॉलोनी में ही ये श्राद्ध अनुष्ठान था, पर उस वक्त निमाय देवनाथ अपने घर पर ही थे। श्राद्ध अनुष्ठान में जाने के लिए उनके परिजनों ने उन्हें आवाज लगाई, पर निमाय देवनाथ की कोई सुगबुगाहट नहीं मिलने पर दरवाजा तोड़ा गया तो उन्होंने देखा कि निमाय की लाश फंदे के सहारे झूल रही है। इस बात की खबर तुरंत कोकोवन थाने की पुलिस को दी गई। बताया जाता है कि वर्तमान में निमाय देवनाथ बांकुड़ा मेडिकल कॉलेज में कार्यरत थे एवं बांकुड़ा मेडिकल कॉलेज के क्वार्टर में ही रहा करते थे। दुर्गापुर सागरभांगा में उनका अपना घर था। ससुर के श्राद्ध अनुष्ठान में वे शामिल होने के लिए दुर्गापुर आए हुए थे। इधर सूत्रों का कहना है कि कई दिनों से निमाय किसी कारणवश तनाव में थे और किस वजह से उन्होंने आत्महत्या की इसकी छानबीन कोकोवन थाना की पुलिस कर रही है। दुर्गापुर से साधन रूज की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। अब हम देख लेते हैं वायरल व्हाट्सएप वीडियोस।就在我的身边，看到没有？它真的是没有轮子。想不想体验一下？可以，可以。我们来看一下。他一直从小就是一个很有想法的孩子，总是有奇怪的点子冒出来。往家从小，现在启动。真的起来了，这上面感觉怎么样？太神奇了，实在是太不可思议了，这个车居然可以悬浮起来。我相信大家和我一样一定很想知道当中的秘密，但是现在磁悬球形车，简称悬浮车，它的设计运用了非常慢点前面危险啊，慢点。从来没见过这样的汽车，就好像是悬浮车。有一个功能是自动驾驶，声控系统能识别人声并开启自动导航。导航回家。悬浮车还有一项特别的功能，就是它的安全感应器。它能根据自身行驶速度和周围车辆的距离计算出最安全的行驶距离，可能发生危险时汽车就会自动刹车。咋个的嘛你？
我真的为我们孩子感到自豪，他确实有些。एक नजर बुधवार की कुछ खबरों पर। रानीगंज के सराफ भवन में चल रहा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP का 3 दिवसीय राज्य सम्मेलन संपन्न हो गया। सम्मेलन में करीब 350 प्रतिनिधि उपस्थित थे। दुर्गापुर स्थित इंडियन बॉटलिंग प्लांट में दूसरे दिन भी लोडिंग अनलोडिंग विभाग के श्रमिकों ने काम ठप कर धरना प्रदर्शन किया। मुर्शिदाबाद में हुए भीषण बस हादसे से सबक लेते हुए पूर्व बर्धवान जिला प्रशासन सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर हो गया है। DM अनुराग श्रीवास्तव ने रोड सेफ्टी कमेटी के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। ईसेल के बाजरा क्वेलरी में सुरक्षा गार्डों की तत्परता से चोरों के मंसूबों पर पानी फिर गया। चोरों का दल लोहा चोरी के इरादे से आया था। रानीगंज शहर के तारबंगला मोड़ के पास भारतीय जनता युवा मोर्चा के तरफ से पद सभा आयोजित की गई। बदवान थाना क्षेत्र के सबमंगला पाड़ा के एक अपार्टमेंट से युवती का शव फंदे पर लटकता हुआ पाया गया। मृतका की पहचान सुमरी राजवंशी के रूप में हुई है। रानीगंज के सीआरसोल गर्ल्स हाई स्कूल में वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। रानीगंज थाना के द्वारा आयोजित कमिश्नरेट कप क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच राजवाड़ी मैदान में खेला गया। फाइनल में नारायण कुड़ी की टीम चैंपियन बनी। CAB द्वारा आयोजित अंडर 14 क्रिकेट टूर्नामेंट में रानीगंज के अशोक संघ क्रिकेट एकेडमी की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है। RP संजीव गोयनका ग्रुप कंपनी की ओर से दुर्गापुर मोचीपाड़ा स्थित फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड के ऑडिटोरियम में पुष्प प्रदर्शनी लगाई गई। कुल 46 अधिकारियों के परिजनों ने हिस्सा लिया। पांडेश्वर थाना व ईशल के सोनपुर बाजारी क्षेत्र अंतर्गत सोनपुर बाजारी परियोजना के ग्लास हाउस में मुख्य प्रबंधक SK मिश्रा पर एक कर्मी की पिटाई करने का आरोप लगा है। आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस निवेदन करते हैं दामोदर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, चॉइस ऑफ मिलियंस, रिश्ता जो कभी न टूटे। BMOH का तबादला वापस लेने की मांग पर प्रदर्शन पर उतरे ग्रामवासी। ब्लॉक के स्वास्थ्य विभाग में लाए गए सुधारों से बेहद संतुष्ट हैं ग्रामवासी।
दुर्गापुर में हुए सड़क हादसे में पुलिस वाहन चालक की मौत। पुलिस वाहन जा टकराई थी डंपर से। आसनसोल नगर निगम ने प्लास्टिक बैग्स के व्यवहार पर लगाई पाबंदी। पाबंदी के बावजूद प्लास्टिक के व्यवहार पर नगर निगम वसूलेगा जुर्माना। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स, योर वॉइस आवर मिशन। नमस्कार।